मैं हूं सानिया अदी से, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शनिवार को पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ के दौरे पर आए बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के एक तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल के ऊपर तीन अज्ञात हमलावरों ने स्याही फेंक दी थी। पुलिस ने तुरंत उन तीनों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल शुक्रवार को एक कार्यक्रम में चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि जिन्होंने स्कूल शुरू किए थे जैसे अम्बेडकर और फुले, वो सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं थे। उन्होंने लोगों के पास जाकर भीख मांगकर स्कूल शुरू की थी। कुछ लोगों ने उनकी इस टिप्पणी को इन महान हस्तियों का अपमान समझा। इसी कारण ये तीनों लोगों ने चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंक दी थी। इस पूरे मामले में बीजेपी के नेताओं ने कड़ी निंदा की है। पार्टी के नेता राम कदम ने कहा कि विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने चंद्रकांत पाटिल पर हमला किया है। आगे कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे हमले का जवाब देना जानते हैं। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता तथा वर्तमान मंत्री आदरणीय चंद्रकांत पाटिल जी का व्यक्तित्व राष्ट्र सेवा के लिए त्यागपूर्ण और समर्पित रहा। राष्ट्र सेवा की उनकी तपश्चर्या अपने आप में बहुत बड़ी है। उनके वक्तव्य को तोड़ मरोड़ करके लोगों के बीच में प्रस्तुत कर लोगों को गुमराह करने का काम महाराष्ट्र का विपक्ष दल कर रहा है। अब उन्होंने राजनीति की सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया, उन पर स्याही फेंक रहे। क्या हो क्या गया? यदि आपको कुछ विचार रखने हैं तो उसका तरीका होता है। आपके वसूली के गोरख धंधे बंद हो गए, कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन बंद हुआ, तबादलों के पैसे बंद हो गए। क्या इन सारी चीजों का फ्रस्ट्रेशन इस प्रकार से आप स्याही फेंक करके निकालोगे? महाराष्ट्र का विपक्ष कान खोल करके सुन ले, आपने ये षड्यंत्र के तहत किया है। जिन्होंने स्याही फेंकी उन लोगों के घर में घुसकर उन्हीं की भाषा में जवाब देना हर भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता जानता है। हम कानून और सुव्यवस्था का सम्मान करते हैं, उसका कतई यह मतलब नहीं कि विपक्ष हमारा संयम देखे। हाथ जोड़ करके विपक्ष के नेताओं को चंद्रकांत दादाजी की माफी मांगनी होगी।